नमस्कार। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी बहनों को 200 रुपये गैस की जो सब्सिडी दी है उसका हम सभी बहनें दिल से धन्यवाद करना चाहती हैं। ऐसा कोई ही शायद प्रधानमंत्री होगा जो देश की बहन का, उस बहन का भी विचार करता है जो किचन में रोज खाना बनाती है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि 2014 से, जबकि देश में 9 करोड़ कनेक्शन होते थे, आज 33 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन हो रहे हैं। हम सभी बहनें मोदी जी को कहना चाहते हैं थैंक यू मोदी जी। और देश में ही नहीं, दिल्ली में भी, पूरे हर जगह, हर मंडल में, हर जिले में बहनें रंगोली बना बना के सेल्फी खींच रही हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। मैं दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी टीम के साथ मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहनों के बारे में सोचा, क्योंकि देश में ही नहीं, दुनिया में कोई बहनों के बारे में सोचता नहीं है। रक्षाबंधन तो सभी बंधवाते हैं, परंतु हर बहन के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है कि उसका किचन ठीक से चले, उसके जेब खर्चे में कोई कमी ना आए। परंतु मोदी जी की सारी स्कीमें उस आखिरी बहन को ध्यान में रख के समरसता और सौहार्द और सभी के साथ, सबका साथ सबका विकास, अपनी इस फिलॉसफी को ध्यान में रख के मोदी जी काम करते आए हैं। इस रक्षाबंधन और ओणम पे जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, हम उसके लिए हार्दिक आभारी हैं। थैंक यू मोदी जी। मैम, विपक्ष इस मोदी जी की जो सब्सिडी दी है, इसको चुनावी स्टंट बता रहा है। चुनावी स्टंट तब होता जब चुनाव से एक महीने पहले कोई बात हो रही होती। जैसा मैंने कहा, 2014 में आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 9 करोड़ गैस के कनेक्शन थे, परंतु आज कितने कनेक्शन है? 33 करोड़ से ज़्यादा। चुनावी स्टंट जो होता है वो लगातार नहीं चलता है। और बहनों के लिए अगर कोई भाई कुछ कर रहा है और किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है तो वो बहनों का दुश्मन ही है, मैं यही कहना चाहूँगा। कि दिसंबर तक और भी चीज़ों के दाम घटने वाले, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। ये तो एक स्पेकुलेशन है। कोरोना के समय में भी गैस की सब्सिडी हमें मिली थी, तब तो कोई चुनाव नहीं था, ये हम सभी जानते हैं। महाठगबंधन की बैठक, अरे माफ कीजिएगा, महागठबंधन की बैठक आप कह रहे हैं, परंतु वो किस प्रकार का गठबंधन है जिसका कोई मुखिया ही नहीं है? वो परिवार जिसका मुखिया नहीं होता है वो परिवार चल नहीं पाता है, चाहे वो एक टीम की बात हो, एक संगठन की बात हो, या इस प्रकार के गठबंधन की बात हो। हम सभी जानते हैं कि असलियत में वहां पर क्या हो रहा है, और देश की जनता को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि देश का मुखिया देश के लोगों का, देश के युवाओं का, बहनों का, सबका ध्यान रख रहा है और सबको ले के साथ में चल रहा है। वहीं पर विपक्ष ये भी चीजें बोल रहा है कि G20 के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर महिलाओं की बात आती है तो 200 रुपए की सब्सिडी, 200 रुपए एक बहन को मिल रही है। अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो ये करोड़ों में ही जाएगा। इनकी गणित, इनके आंकड़े, इनको अभी सीख लेने चाहिए कि एक इनको ये जो तकलीफ हो रही है ये बहुत ही कष्ट हमें दे रहा है कि किस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। ये भी करोड़ों की है, और जहां देश का मान सम्मान की बात है वहां पर देश का पैसा देश पे ही खर्च होना चाहिए, और हो रहा है, सही प्रकार से हो रहा है।